फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपकी मैथ बुक में चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स, में जानेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, अर्थात संख्याओं की तुलना। मैथ में संख्याएं अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं और संख्याओं की हेल्प से, नंबर्स की हेल्प से हम एक गुड कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि हम कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं, अर्थात हम नंबर्स की आपस में तुलना कैसे कर सकते हैं। तो हम जानेंगे टू कंपेयर टू नंबर्स मीन्स टू फाइंड वेदर वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर नंबर। अर्थ होता है टू कंपेयर टू नंबर्स। कंपेयर मीन्स तुलना करना टू नंबर्स, दो नंबर्स की। हम इन्हीं दो संख्याओं को लेते हैं और उनकी आपस में अगर तुलना करते हैं तो इसका अर्थ होता है, मीन्स अर्थ होता है टू फाइंड वेदर, ये पता करना क्या वन नंबर इज ग्रेटर, क्या एक संख्या इज ग्रेटर, अरे बड़ी है देन अनदर नंबर, किसी दूसरी संख्या से। सेकेंड पॉइंट, वन नंबर इज स्मॉलर, क्या एक संख्या इज स्मॉलर, छोटी होती है देन अनदर नंबर, किसी दूसरी संख्या से। और एक पॉइंट और पता चलता है जिसको हम कहते हैं वन नंबर इज इक्वल टू अनदर नंबर, क्या दीवी दोनों संख्याएं समान होती हैं दूसरे नंबर से, अर्थात पहली संख्या दूसरी संख्या के समान है या नहीं। ये तीनों ही हमें पॉइंट्स पता चलते हैं, लेकिन हम पता कैसे करेंगे? पता सिर्फ हम कंपेयर कर ही पता कर सकते हैं। और इसीलिए हम, हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। टॉपिक टू में हम बात करेंगे सिंबल्स यूज टू कंपेयर नंबर्स। कंपेयर करने के लिए आपको कुछ सिंबल्स की जरूरत होती है। ये सिंबल्स हमारे फर्स्ट होता है, दिस सिंबल इज यूज एंड इज कॉल्ड ग्रेटर देन। हम इस सिंबल को ग्रेटर देन कहते हैं। सेकेंड सिंबल हमारा होता है दिस, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड स्मॉलर देन। एंड आवर थर्ड सिंबल इज इक्वल टू। ये सिंबल तो आपका जाना पहचाना है, और ये सिंबल इज कॉल्ड इक्वल टू। तो देयर आर थ्री सिंबल्स फॉर कंपेयरिंग नंबर्स, थ्री। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कि हम संख्याओं पर संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और वे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने पर ही हम नंबर्स की आपस में तुलना कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ टॉपिक लिया है रूल्स फॉर कंपेयरिंग नंबर्स। इसके आपके तीन रूल्स होते हैं जिनको जानेंगे। फर्स्ट रूल आपका है द नंबर विच हैज मोर डिजिट्स इज ग्रेटर देन अनदर नंबर। अर्थ है द नंबर, वह संख्या विच हैज मोर डिजिट्स, जिसकी अधिक अंकों की संख्या होती है, इज ग्रेटर, तो अधिक बड़ी होती है देन अनदर नंबर, दूसरी संख्या से। फॉर एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। सपोज दैट वी हैव टू नंबर्स, वन टू थ्री, एंड सेकेंड नंबर इज फोर फाइव। नाउ वी सी दैट इन 123 देयर आर ओनली थ्री डिजिट्स। एंड इन 45 देयर आर ओनली टू डिजिट्स।
So it is clear that when 1 to 3 has mod digits, it is bigger than 45, which has only 2 digits. अर्थात 123 बड़ा हो जाता है 45 से, क्योंकि 45 में कम डिजिट्स हैं। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, उसके माध्यम से भी समझेंगे। नाउ वी हैव टू मोर नंबर 6, 7, 8, 4, 5 एंड 4, 6, 2, 4 इन बोथ ऑफ दीज नंबर्स, दिस फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड नंबर, इन दिस नंबर देयर आर ओनली 5 डिजिट्स एंड इन दिस नंबर ओनली 4 डिजिट्स। सो इट बिकम्स क्लियर दैट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज बिगर देन नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट वन इज बिगर देन सेकेंड वन। सो वी यूज दिस साइन हियर। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ बोथ नंबर्स हैव सेम डिजिट्स। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हमारे पास यदि दो संख्याएं हैं उनकी डिजिट सेम है, तो इफ बोथ नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, यदि दोनों नंबर्स की डिजिट सेम होती हैं, वी कंपेयर डिजिट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट प्लेस। तो हम कंपेयर करते हैं डिजिट्स को लार्जेस्ट प्लेस, सबसे बड़े स्थान से। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड इट। सपोज दैट वी हैव टू नंबर्स 4695 एंड 5672। यू सी इन दिस नंबर देर आर 4 डिजिट्स एंड दिस नंबर इज ऑफ 4 डिजिट्स ऑल्सो। इट इज क्लियर दैट इन बोथ नंबर्स डिजिट्स आर सेम। हाउ कैन वी कंपेयर दीज नंबर्स? नाउ वी कंपेयर डिजिट्स ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट प्लेसेस, लार्जेस्ट प्लेस दिस इज 1s, 10s, 100s, and 1000। लाइक इट 1s, 10s, 100s, and 1000। सो वी कंपेयर डिजिट ऑफ 1000 प्लेस फर्स्ट इन बोथ नंबर्स, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। वी कैन राइट हियर 4 एंड 5, यू नो दैट 5 इज बिगर देन 4। सो दिस नंबर इज ऑल्सो बिगर देन 4695। इस तरह से हमें कंपेयर करना होता है लार्जेस्ट प्लेस से। शुरू करते हुए हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, जिस नंबर में जो डिजिट बड़ी होती है वो नंबर बड़ा हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बोथ नंबर्स आर सेम। यदि हमारे दोनों नंबर्स सेम होते हैं एंड ऑफ सेम डिजिट्स और उनके अंक भी समान हैं, आर इक्वल टू ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल आई राइट टू नंबर्स हियर, फर्स्ट इज 3, 4, 6, 7 एंड सेकेंड इज 3, 4, 6, 7। यू फाइंड दैट दिस इज फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर, बट इन बोथ दीज नंबर्स डिजिट्स आर सेम। दिस इज दिस नंबर हैज 4 डिजिट्स एंड दिस नंबर ऑल्सो हैज 4 डिजिट्स। इसमें भी 4 डिजिट हैं और इसमें भी 4 डिजिट हैं। अब हम कंपेयर करते हैं डिजिट्स को, तो हमारा 1000 प्लेस पर जो डिजिट है 3, इसमें भी 1000 प्लेस पर
डिजिट हमारी है 3। नेक्स्ट हम प्लेस पर जाते हैं 100, 100 पर डिजिट है हमारी 4, यहां पर भी 100 पर डिजिट है हमारी 4। टेंस पर देखते हैं 6 और यहां पर भी 10 पर 6 और वंस पे हमारा 7 और इसमें भी वंस पे हमारा 7। इट मींस डिजिट्स ऑफ प्लेसेस आर सेम एंड इन बोथ नंबर डिजिट्स आर सेम, सो बोथ दीज नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए और इसके बेस पर ही हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमें इजी हो जाता है नंबर्स को कंपेयर करना। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कंफ्यूजन ऑफ सिंबल्स। कंफ्यूजन ऑफ सिंबल्स में क्या होता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं साइन लगाने की। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं 35 एंड 40 और हमें साइन लगना है। अब साइन लगने में हम मिस्टेक कर जाते हैं, हमारा साइन यूज हो गया ये, लेकिन ये प्रॉपर साइन नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 125 एंड 236, इसमें भी हमें साइन रखने हैं लेकिन साइन हमारा गलत हो जाता है, हम रख देते हैं ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग साइन। सो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम फॉर चिल्ड्रन टू प्लेस करेक्ट साइन। इसके लिए इजी ट्रिक टू रिमेम्बर सिंबल्स, हमारे पास एक इजी ट्रिक होती है जिसके हेल्प से हम ये सिंबल्स याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। देखिएगा, हमारे पास ये ग्रेटर देन साइन है और ये स्मॉलर देन साइन होता है। ग्रेटर देन साइन में जो बिग एंड होता है हमारा ओपन एरिया, दिस इज ओपन एरिया, और ये ओपन एरिया जो होता है ये बिग नंबर की ओर होता है, अर्थात बिग एंड्स ऑलवेज पॉइंट टू द लार्जर नंबर। जो बिग एंड है वो हमेशा बड़ी संख्या की तरफ इशारा करता है, इंगित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोज एंड। क्लोज एंड में हम जाते हैं तो ये पॉइंट में क्लोज एंड, दिस इज क्लोज, यहाँ क्लोज होता है और इस पॉइंट को हम, ये हमें शो करता है ऑलवेज पॉइंट टू द स्मॉलर नंबर। ये पॉइंट हमेशा स्मॉलर नंबर की ओर रहता है जो नंबर छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 12 एंड 20, देर आर टू नंबर्स और वी हैव टू यूज करेक्ट साइन हियर। सो यू नो दैट 12 इज स्मॉलर नंबर देन 20, सो पुट द क्लोज एंड टू 12। क्लोज एंड आप 12 की ओर रखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि 12 इज स्मॉलर देन 20। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हम बहुत आसानी से ये सिंबल्स याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मुझे यही बताना था और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक नई जानकारी लेकर मैं आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।